गाइस क्या आप भी अपने आउटर इनर थाई के एक्स्ट्रा फैट से परेशान है? आप कुछ भी ड्रेस वेयर करते हैं तो आपकी उसमें बॉडी की परफेक्ट शेप नहीं आ पाती एंड आप अपने हिप्स को भी एकदम परफेक्ट शेप में लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं एंड मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज जो मैं एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ इन एक्सरसाइजेस को करने से जो आपकी इनर एंड आउटर थाई का एक्स्ट्रा फैट है वो जल्द से जल्द रिड्यूस होने लगेगा। साथ ही साथ ये एक्सरसाइजेस आपके हिप्स को भी एकदम परफेक्ट शेप में लाएगी। आपको बस इतना करना है मेरी इन बताई हुई एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है, वन डे भी मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एंड आपके हिप्स एकदम परफेक्ट शेप में रहे एंड आपके आउटर एंड इनर थाई का एक्स्ट्रा फैट जल्द से जल्द रिड्यूस हो जाए एंड कभी वापस ना आए तो आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। एंड जो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना ही ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत है, ना ही किसी तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत है। इन एक्सरसाइजेस को आप आराम से अपने घर पे या अपने टेरेस पे कर सकते हैं एंड इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको ऑनली 10-20 मिनट्स निकालने की जरूरत है। सो अपना वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो के फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, दोनों लेग्स के बीच में नॉर्मल गैप रखना है, देन अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके डाउन साइड जाना है, देन अपसाइड आके अपने दोनों हैंड्स को वेस्ट पे होल्ड करना है, अपने राइट लेग को राइट साइड अपसाइड करना है, अगेन से डाउन, सेम दोनों हैंड्स को वेस्ट पे होल्ड करके लेफ्ट लेग को अपसाइड उठाना है। इसको ओनली 15 के 2 सेट्स करने। जब आप अपने राइट लेग को यूज करेंगे तो आपको लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके रखना है, नी बेंड नहीं करनी है। कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है एंड आपको अपने दोनों लेग्स को उतना ही ओपन करना है जितना आप कंफर्टेबल हो। अपने दोनों लेग्स को ओपन करके फर्स्ट अपनी अपर बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है, देन अपने दोनों लेग्स के नीचे बेंड करके डाउन साइड जाना है, देन अपने हिप्स को अप साइड उठाना है, देन जब अपने हिप्स को अप साइड उठाएंगे तो आपको अपने दोनों लेग्स के नीचे स्ट्रेट करके रखना है, देन डाउन साइड जाके दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करना है। इसको 15 के 2 सेट्स करने। जब आप अपने बॉडी को डाउन साइड लेके जाएंगे तो आपको अपने हिप्स को आउटसाइड पुश करके रखना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने।
एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को जॉइन करना है। फर्स्ट आपको अपने राइट लेग को यूज करना है। राइट लेग को राइट साइड ओपन करके राइट लेग के नी को बेंड करना है। देन वापस अपनी प्लेसिंग में लाके राइट लेग को उठा के अपसाइड उठाना है। राइट लेग के नी को बेंड करना है। देन अगेन डाउन सेम राइट साइड करना, राइट साइड 15 के 2 सेट्स करना। सेम आपको लेफ्ट साइड करना, लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स करने। जब आप अपने राइट लेग को यूज करेंगे तो आपको अपने लेफ्ट लेग को स्वेट करके रखना है, नी बेंड नहीं करनी है लेफ्ट लेग की। सेम लेफ्ट साइड करना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने राइट लेग को फ्रंट साइड रखना है, देन अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के पीछे से क्रॉस करके रखना है। देन अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करना है, बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है, अपने दोनों हैंड्स को वेस्ट पे होल्ड करके रखना है। राइट साइड 15 के 2 सेट्स करने। इस एक्सरसाइज को आपको फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो करना है। सेम लेफ्ट लेग को यूज करना, लेफ्ट साइड में 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को जॉइन करना है। देन अपने दोनों लेग्स को नी को बेंड करके फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है। लेफ्ट साइड हमें 2 टाइम शिफ्ट होना है, दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके अप साइड होल्ड करना है। फर्स्ट लेफ्ट को ओपन करना है, देन राइट जॉइंट, अगेन लेफ्ट ओपन, अगेन राइट जॉइंट, सेम राइट साइड करना है, राइट को ओपन करना है, देन लेफ्ट जॉइंट, अगेन राइट, देन लेफ्ट। इसको 15 के 2 सेट्स कर लें। इसमें आपको अपने हिप्स को आउटसाइड पुश करके रखना। कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में
जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड जो आज मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई, आपको मेरी ये एक्सरसाइजेस कैसी लगी एंड करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।